لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي يا لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والانس من الاولين والاخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

नबुवत का पार्ट टू डिस्कस करेंगे कल हमने नबुवत का पार्ट वन डिस्कस किया था सबसे पहले लेक्चर में हमने जो है दीन की जरूरत डिस्कस की थी वाई डू वी नीड रिलीजन उसके बाद हमने तोहहीद को डिस्कस किया कि हमें अल्लाह की एग्जिस्टेंस और अल्लाह के एक होने पे क्यों यकीन रखना जरूरी है उसके बाद हमने अदालत पढ़ी थी तीसरे लेक्चर में चौथे लेक्चर में जो है हमने नबुवत का पार्ट वन देखा था कि जिसमें हमने देखा कि नबियों की क्यों जरूरत है नबियों के कौन से चेन ऑफ प्रॉफिट्स है नबियों की क्या लेवल्स है और साथ साथ हमने जो नबियों के प्रूफ्स है यानी कि इनफेलिबिलिटी यानी मासूमियत मिराकल्स यानी जजाद और तीसरा क्या था तीसरा था नॉलेज ऑफ द अनसीन ठीक है ये तीन प्रूफ्स जो है हमने पढ़े थे नबियों के आज जो है हम नबियों की थोड़ी स्टोरीज देखेंगे कि किस तरह नबियों ने जो है अपनी जिंदगी गुजारी और उससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं शुरुआत करते हैं जनाब आदम से अल्लाह ने जनाब आदम के पुतले को बनाया की बॉडी को बनाया ओके मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सारी स्टोरीज के बिकॉज हमें शॉर्ट पीरियड में जो है सारे नबियों को कवर करना है जितना हो सके उतना तो कुछ कुछ स्टोरीज को हम लेंगे कुछ कुछ नबियों की और इनशाला जो है आज का लेक्चर उसमें कंप्लीट करेंगे जनाब है अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जो है पुतला बनाया बॉडी बनाई और सारे एंजल से कहा कि तुम जो है जैसे ही मैं इसमें रू डालू तुम जो है इसको सजदा करना अल्लाह ने जो है जनाब आदम में रूह डाली जनाब आदम ने जो है आंखें खोली कुछ रवायतों में छींक ली अल्हम्दुलिल्लाह का अलग अलग है और जैसे ही जनाब आदम में रूह आई सारे मलायक और जिन जो रसू अला के यहाँ अल्लाह के यहाँ मौजूद थे उन सब ने जो है जनाब आदम का सजदा किया सिवाय इबलीस के कुरान की आयतों में है इबलीस जो था वो जिनों में से था और इस दुनिया के पहले जो दुनिया थी उस दुनिया से ताल्लुक रखता था और क्योंकि वहां लोगों ने जो है बहुत इनजस्टिस करना शुरू कर दिया एक दूसरे पर अल्लाह ने जो है इबलीस को जो है ऊपर उठा लिया था और उस दुनिया को खत्म कर दिया था वो आसमानों में रहता था मलाइका के साथ लेकिन जब जनाब आदम की खिलकत हुई तब इबलीस जो था उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से और आग जो है मिट्टी से ज्यादा अफजल होती है तो मैं क्यों आदम का सजदा करूं अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से ये इसमें से एक लेसन हमारे लिए ये है कि अगर अल्लाह का कोई हुक्म है अल्लाह के नबी का कोई हुक्म है तो हमें उसमें क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि वो खुदा का हुक्म है यस yes, इस्लाम ने ये नहीं बोला कि तुम ब्लाइंड फेथ बिलीव करो कि जो बोले वो बिलीव करो अल्लाह ने हर चीज के बारे में बताया कि ये क्यों एक बहुत बड़ा सोरस है अमीरुल मोमिनीन और उनके बाद के इमाम रसोल्ला ने कहा था अना मदीनतुल इल्म मैं इल्म का शहर हूँ व अली उन बाब और इमाम अली उसका दरवाजा है तो हमारी यह खुश नसीबी है कि मैं बैत के दर से वाबस्ता है कि हमें जो है जो जो इल्म दूसरों तक नहीं पहुंचा वह अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचाए तो हर चीज के बारे में अहिल ने बताया लेकिन जब अल्लाह का कोई हुक्म हो अल्लाह ने कहा करना है करना है अल्लाह ने कहा नमाज पढ़नी है पढ़नी है अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना नहीं बोलना कुछ एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं ऐसा क्यों ये क्यों वो क्यों लेकिन अल्लाह ने कहा कि दीन को जो है समझो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिलीजन रूट्स ऑफ रिलीजन उसूल दीन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इस्लाम कहता है ब्लाइंड फेथ में बिलीव मत राइट हम देख रहे हैं कि हमने जो है कोशिश की कि हम हमारे फर्स्ट लेक्चर से कि नीड ऑफ रिलीजन से जो है हम प्रूफ्स देते जा रहे अकली दलील देते जा रहे हैं कि हम समझे कि हमारा रिलीजन हमें क्यों मानना चाहिए वी शुड नॉट बिलीव इन ब्लाइंड फेथ लेकिन शैतान ने अल्लाह की बात नहीं मानी अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से शैतान ने कहा मैं जो है सीधे रास्ते पर बैठूंगा और लोगों को जो है सीधे रास्ते से बहकाऊंगा सिवाय कुछ लोगों के जो बहक नहीं सकते ये कुछ कौन ये चौदह मासूमी सलाम है अब जनाब बीबी हो जन्नत में रह रहे थे अल्लाह ने कहा तुम खाओ पियो जो करने करो सिर्फ ये पर्टिकुलर झाड़ के पास मत जाना एक बार शैतान आया उसने बीबी को जो है शैतान मन कर नहीं आया और उसने जनाब आदम से कहा, कि अरे मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ ये क्या चीज है उसने अल्लाह की झूठी कसम खाई जनाब आदम ने कभी सुना नहीं था झूठ जूट और झूठी कसम उन्होंने इसकी बात पर बिलीव कर लिया और उस कुछ कहते हैं कि वो झाड़ था कुछ कहते हैं एप्पल का झाड़ था कुछ कहते हैं गहूं था जो भी अलग अलग रवायत है अंगूर थे अलग अलग रवायत है तो उसमें से एक फ्रूट जो है जनाब आदम ने लिया और खाया अल्लाह ने कहा कि मैंने मना किया था अब ये जनाब आदम ने जो है अल्लाह गुनाह नहीं किया क्यों क्योंकि वो जन्नत है वहां कोई शरीयत नहीं है राइट इसे तरके औला कहते हैं यानी एक बेटर चीज को छोड़कर एक उससे कम बेटर चीज करना ठीक है अल्लाह ने कहा कि अब मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ जनाब आदम ने बहुत माफी मांगी फिर जनाबराल आए और उन्होंने पाक का नाम जनाब आदम को सिखाया। जनाब आदम ने पंजतन पाक के वास्ते से दुआ की पंजतन कौन रसोह अमीर मिनी इमाम बीबी फातिमा जहरा सला इमाम हसन और इमाम हुसैन जिन्हें अहल किसा भी कहा जाता है जनाब आदम ने इनका वास्ता दिया अल्लाह ने जनाब आदम की तौबा को कबूल किए और जनाब आदम और बीबी हवा इस दुनिया में मिल गए और साथ रहने लगे अल्लाह ने उन्हें दो औलाद अदा की हाबील और काबिल जिनकी हम स्टोरी सुनते हैं ज्यादा डेफ्थ में नहीं जाऊँगा काबिल ने जो है जनाब हाबिल को कत्ल कर दिया और दुनिया में सबसे पहला खून बहाया गया फिर चेंज अल्लाह ने जनाब आदम को जनाब नबी उसके बाद आदम इस दुनिया से गुजर गए जनाब शीश नबी थे और फिर जनरेशन जो है चलने लगी अब इन जनरेशन में जनाब हूद आए राइट और कई सारे प्रॉफिट्स आगे आते गए उसके बाद जमाना आया जनाब नूह का जनाब नू की स्टोरी हम सबको पता है जनाब नू अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत बड़ा सैलाब आया बहुत बड़ा डेल्यू गया साढ़े नौ सौ साल नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स तक जनाब नूह ने जो है तबलीग की हम नाइन नाइनटी फाइव जो है मजलिस में कभी कभी जब होती है तो हम ऐसे बैठे रहते आज मौलाना ने ज्यादा लंबी कर दी मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मतलब जो कलमा मजलिस पढ़ते हैं तो अरे मौलाना करती नाइनटी फाइव मिनट्स पढ़ती है यार अब कैसे हम मजलिस नाइनटी फाइव मिनट्स नहीं सुन पाते लेकिन जनाबे नू असलम ने नाइन फिफ्टी जो है तबलीग की अब उसके बाद अल्लाह ने उन्होंने कहा कि अब जो है लोग नहीं मान रहे अल्लाह ने जो है अजाब नाजिल किया जनाब उन्होंने एक शिप बनाई बहुत बड़ी शिप जिसमें सारे जानवरों को सारे जो मुमिनी ने उनको जो है उस शिप में जो है ले लिया और बाकी जितने लोग थे दुनिया में वो सब जो है ऐसी बारिश हुई कि जमीन से पानी निकला बारिश हुई पूरी दुनिया में सैलाब आ गया सिर्फ और सिर्फ जो इस बोट पर थे वो बचे हुए थे और वो क्यों क्योंकि अल्लाह ने इस बोट पर ने पाक के नाम की कील डाली जनाब नू से कहा था कि ने पाक का नाम जो है तुम जो है इस पर लगाओ तो देख सकते हैं कि अहले अलैहिस्सलाम की इम्पोर्टेंस उनके आने से काफी पहले से है जनाब आदम की खिलकत से भी पहले अलैहिस्सलाम की जो है इम्पोर्टेंस है कमिंग बैक टू द टॉपिक उसके बाद जनाब नू के टाइम जब सैलाब उतर गया जनाब नू जो है वापस जमीन पर आ गए जमीन पर सेटल हो गए उसके बाद उनकी रहलत हो गई इस दुनिया से जनाब नू की शरीयत कंटिन्यू रही उसके बाद फिर से लोगों में डिविएशन आ गया उसके बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी स्टोरीज हैं कि किस तरह उन्होंने जो है नमरूद उस जमाने का जो बादशाह था उससे लड़े उनको आग में फेंका गया लेकिन आग जो है कुरान की आये कि कूनी सलाम अल्लाह इब्राहिम के आग तू जो है इस इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा आग में जनाब इब्राहिम गए जनाब इब्राहिम बच गए इनशा किसी और दिन हम किसी और सीरीज में नबियों की स्टोरी इस पूरी एक कोशिश करेंगे कि करें अब जनाब इब्राहिम के दो बेटे थे जनाब और जनाब अलैहिस्सलाम कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जनाब अलैहिस्सलाम से जो है दीन हनीफ कंटिन्यू हुआ जो जनाब इब्राहिम की शरीयत थी और जनाब के थ्रू कंटिन्यू हुआ उसके बाद थोड़े टाइम बाद वहां जनाब मूसा की विलादत हुई और जनाब मूसा की शरीयत आई जो उनके जाने के बाद चेंज हुई और आज जो है जो यहूदी है जो ज्यूज है राइट वो जो है जनाब मूसा की शरीयत पर है लेकिन जनाब मूसा की जो ओरिजिनल शरीय थी वो डिस्टॉर्ट कर दी गई जो ओरिजिनल दौरे थी उसमें चेंजेस कर दिए गए इसीलिए अल्लाह ने जनाब ईसा सलाम को भेजा तो एक तरफ जनाब इब्राहिम के बाद जनाब इसमाइल से दीन हनीफ चल रहा था और दूसरी तरफ जनाब की लाइन में जो है पहले दीन हनीफ चला उसके बाद जनाब मूसा की शरीय आई उसके बाद जनाब ईसा सलाम की शरीय आई जनाब ईसा की शरीत क्या थी जो आज क्रिस्टानिटी है जो जनाब ईसा की शरीत को मानते हैं लेकिन तो जनाब ईसा के तो जाने के बाद इंजील में जो बाइबल में उसमें चेंजेस कर दिए गए इसीलिए जो है उनकी शरीयत जो है उनके तो जाने के बाद चेंज होने की वजह से उन जब रसोल्ला आए तो सारी शरीयतें खत्म हो गई और दीन इस्लाम जो है अल्लाह का दीन बन गया तो ये जो यहूदी है जो ज्यूज हैं जो क्रिश्चन है और जो मुस्लिम हैं इन तीनों को जो है कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन इंग्लिश में अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है यानी ये सारे जो रिलीजन जो है ये सारे दीन जो है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो है कनेक्टेड है इनको दीन इस्लाम में अहले किताब भी कहा जाता है कुरान की आयत है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अहल किताब तलो अहल किताब आओ इला कलिमतिन सवाइन बैनना वबैनकुम कि आओ हम जो है अल्लाह के बारे में डिस्कस करें और जो कट कट यहूदी और ईसाई यानी क्रिश्चियंस और ज्यूज और मुस्लिम्स ये सारों को जो है अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है इब्राहिमी दीन कहा जाता है जो यानी कि ये लोग जो है जनाब इब्राहिम से तीनों रिलिजन्स कनेक्टेड है इस्लाम में इन्हें अहले किताब कहा जाता है कि इनके पास बुक है यानी जी उसके पास थे, भले है लेकिन तोरेत थे के पास इंजील यानी बाइबल है ईसा की ओरिजिनल इंजील थी, थी वो नहीं है और मुसलमानों के पास कुरान है तो कुरान में अल्लाह इन्हें एड्रेस करता है किताब के आओ हम जो है अल्लाह के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करें और हम जो है एक कॉमन वर्ड पर आए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें इसीलिए जो अब्राहमिक रिलीजन में स्टोरीज है कि जो बाइबल में स्टोरीज है जो तौरत में स्टोरीज है इन सारी स्टोरीज में जो है कॉमन प्रॉफिट हैं क्योंकि ये सारे दीन कनेक्टेड है ये सारे अल्लाह के दीन हुआ करते थे यहूदियत और ईसाइत और उसके बाद जो नबियों के जाने का उसमें चेंजेस हो गए इसीलिए जो है इनमें जो है थोड़ी सी चेंजेस है लेकिन जो स्टोरीज है जैसे जनाब मूसा का जिक्र है जैसे मोजेस कहा जाता है बिब्लिकल लैंग्वेज में जनाब ईसा को जीसस कहा जाता है जनाब अयूब को जॉब कहा जाता है जनाब यूसुफ को जोसेफ कहा जाता है जनाब याकूब को जैकब कहा जाता है ठीक है जनाब नू को नोआ कहा जाता है जनाब आदम को एडम कहा जाता है जनाब हवा को ईव कहा जाता है तो ये सारे जो है नबी जो थे वो कॉमन थे राइट ये सारे अल्लाह के नबी थे लेकिन जो लैंग्वेज जो तभी लैंग्वेज चलती थी उस लैंग्वेज के हिसाब से या जो आज बाइबल है उसमें जो है ये नाम मौजूद है और आखिरी नबी हमारे नबी हजरत महम्मद मुस्तफा वसल्लम की जिंदगी भी जो है ऐसी गुजरी है कि जिससे हम जो है बहुत लेसन ले सकते हैं हमने माह रमजान में जो है एहलैतमसलाम पर एक सीरीज़ की थी जिसमें रसोल्ला सल्ला वसलम की लाइफ पर भी लेक्चर्स थे ऊपर लिंक दी हुई है उसमें जो है आप जाकर जो है रसोल्ला सल्ला वसलम के लेक्चर्स अगर आपने नहीं सुना आप तो आप देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि लेक्चर में मैं पूरी जिंदगी उनकी नहीं पढ़ सकता उसके लिए जो मैंने लेक्चर्स जो लिए है उसमें आप सुन सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी तो आप जो है उनकी ज़िंदगी वहाँ देख सकते हैं कि रसूल सल्लाम ने कितनी मशक्कतें उठाई कितनी डिफ़िकल्टीज उठाई कितनी प्रॉब्लम्स उठाई उन पर पत्थर मारे गए उन पर जो है जो एनिमल्स हैं वेस्ट है उनकी जो टॉयलेट है उन पर डाली गई जब वो सजदा करते थे उनको जो है मजनून बुलाया गया नौजुबिल्ला उनको जो है जादूगर बुलाया गया नौजुबिल्ला और इतनी सारी मेहनत करने के बाद फिर मदीने में आए जब मदीने में आए उसके बाद लोगों ने उन पर हमले किए जंग बदर हुई जंग अहद हुई जंग खैबर हुई जंग खंदक हुई जंग हुनैन हुई सब में रसूल्ला पर अटैक हुआ रसूल्ला ने जो है मुसलमानों को जमा किया जंग हुई मुसलमान जो है जीते इतनी सारी जंगे हुई इतने सारी प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद वा लिए वा लिए वसल्लम ने कहा कि अब जो है मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और मेरे बाद अमीर इमाम अली अभी तालिब मेरे वसी है लेकिन लोगों ने रसूल के जानशीन को तर्क किया उनको छोड़ दिया और अपने अपने इमाम बनाने लगे अपने अपने खलफा बनाने लगे और इस वजह से हुआ ये कि जब नबी के वारिस को हटा दिया गया तो दीन में कई सारी रोंग चीजें आने लगी और जब ये सारी रोंग चीजें आने लगी तो वो दिन दूर नहीं रहा कि रसूल के जाने के सिर्फ ईयर्स बाद सिर्फ 50 बाद यजीद जैसा शख्स जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता था जो शराब पीता था जो नमाज नहीं पढ़ता था जो औरतों के साथ बदतमीजी करता था जो हर वो हराम काम को हलाल करना चाहता था जो इस्लाम ने मना किया और हर हलाल काम को जो है तर्क करना और इन सब के अगेंस्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है क्याम किया कि यजीद जैसा शख्स इस्लाम की अगर बागदौड़ संभाल रहा है इस्लाम को अगर कंट्रोल कर रहा है तो ऐसे इस्लाम को दूर से सलाम क्योंकि ये वो इस्लाम नहीं है जो नबियों ने मेहनतों से पहुंचाया ये वो इस्लाम नहीं है जो मेरे नाना रसूल सल्हलम ने पत्थर खाकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स उठा कर फैलाया वो इस्लाम का जो मैसेज है वो है कि लोगों के बीच में जस्टिस कायम हो लोगों के बीच अदल कायम हो किसी के ऊपर इनजस्टिस ना हो किसी के साथ गलत न हो लेकिन यजीद और यजीद जैसे और यजीद को यजीद बनाने वाले जो थे उनकी वजह से दीन इस्लाम में बहुत सारी बुरी चीज़ें आने लगी और यकीन अगर इमाम हुसैन आसाम और उनके अब अपनी शहादत नहीं देते तो यजीद जैसा इस्लाम को जो है बर्बाद कर देता और इन्हीं सहाबा में से एक जो बहुत मोहतरम है सारे मोहतरम है लेकिन जो एक खास है जो इमाम हुसैन जिनको अपना दोस्त बुलाते थे वह है जनाब हबीब इबन असदी मुहर्रम दो मुहर्रम को जो है इमाम हुसैन सलाम करबला पहुंच गए फौजों पे फौजें आ रही थी यजीदियों की उमर साद शिम्र खूली सब आ रहे थे सिनान इब्ने अनस शबस इब्ने रबी सब जो है अपनी-अपनी फौजें लेकर आ रहे थे इब्ने जियाद फौजों पे फौजें भेज रहा था बीबी Zainab सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि भैया जीद की फौजों पर फौज आई कि आपका कोई यारो मददगार नहीं है इम हुसैन ने खत लिखा अपने बचपन के दोस्त जनाब हबीब मजाहिर के नाम और कहा कि रजुल फकीह यानी एक नॉलेजेबल इंसान एक फकीह सोचो अगर इमाम तुमको नॉलेजेबल कह रहे हैं तुमको फकीर कह रहे तो तुम्हारा दर्जा क्या होगा जनाब हबीब इब्ने मजाहिर को इमाम हुसैन आसलाम ने लेटर लिखा कि ए रजुल फकीह तुम्हारा दोस्त इमाम वक्त जो है मुश्किल में घिरा हुआ है हो सके तो मदद को आ जाओ हबीब इमाम ने अपने कासिद को भेजा जनाब हबीब खाना खा रहे थे अपनी वाइफ के साथ जब ये लेटर उन तक पहुंचा दरवाजे पे नौक हुआ जनाब हबीब ने पूछा कौन इमाम हुसैन आसम के रिप्रेजेंटेटिव के लेटर लाने वाले ने कहा कि मैं सफ़ीर इमाम हुसैन आसमाम हूँ जनाब हबीब फ़ौर उठ गए दरवाजे पर गए उस इस, उसका उसका इस्ताल किया उसका वेलकम किया इमाम हुसैन आलम का लेटर लिया अपनी आँखों से लगाया उसको चूमा और इमाम हुसैन आम का लेटर जनाब हबीब इबन मज़ाहिर ने पढ़ा आँखों से आंसू आ गए अंदर वापस आए उनकी वाइफ ने कहा कौन था कहा इमाम हुसैन का सफीर था कहा क्या कह रहे इमाम कहा इमाम जो है मुश्किल में है और उन्होंने मुझे जो है याद किया है तो उनकी जोजा ने कहा क्या इरादा है हबीब जनाब हबीब ने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा जनाब हबीब की वाइफ को जलाल आ गया कहा कि हबीब तुम ये लो तुम घर में बैठो और मुझे तुम्हारी तलवार दो मैं जो है इमाम हुसैन की नुसरत के लिए जाती हूँ तुम्हारे इमाम वक्त तुम्हें बुला रहे और तुम कह रहे हो तुम्हें मेरी फिक्र है जनाब हबीब ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रहा था ये देखना चाहता था कि क्या तुम भी तैयार हो जनाब हबीब की वाइफ ने जो उनको तैयार किया जनाब हबीब ने अपने गुलाम को अपने सर्वेंट को कहा कि मेरा घोड़ा लेकर शहर के बाजू क्योंकि मुख्तार नामे में हम देखते हैं कि इबन जियाद ने जो है किस तरह कर्फ्यू लगा के रखा था और किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए जाने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए जाना अलाउड नहीं था उसने सारे रास्ते बंद कर रखे थे जनाब हबीब ने अपने गुलाम को भेजा और कहा कि तुम जो है शहर के बाहर घोड़ा लेकर खड़े रहो मैं छुप छुप कर आता हूँ और फिर जो है हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए जाएंगे उनका गुलाम शहर के बाहर घोड़ा पकड़ कर खड़ा था जनाब हबीब आ ही रहे थे कि उन्होंने ये एक मंजर देखा कि जनाब हबीब का जो गुलाम था वो उस घोड़े से कहता है कि ए घोड़े तू गिरिया न कर अगर मेरे मालिक जनाब हबीब नहीं आए तो मैं तेरी पुष्प पर सवार होकर इमाम हुसैन सलाम की नुसरत के लिए जाऊँगा जनाब हबीब ने सर को पीट लिया कि एक गुलाम और एक घोड़ा भी जो इमाम हुसैन आसम की नुसरत के लिए तड़प रहे जनाब हबीब इब मज़ाहिर ने गुलाम को आज़ाद किया और दौड़ते हुए घोड़े को दौड़ाया करबला की तरफ अचानक जब कूफे की तरफ से जब मिट्टी उड़ती हुई दिखी इमाम हुसैन ने कहा मेरा दोस्त हबीब आ रहा है जनाब अब्बास जनाब अली अकबर जनाब कासिम सब के सब जो है जनाब हबीब इबन मज़ाहिर के इस्ते में खड़े हो गए जैसे ही जनाब हबीब आए एक अलग सी खुशी जो है असहा इमाम हुसैन में होने लगी कि जनाब हबीब इबन मज़ाहिर जो है इमाम हुसैन आसम की मदद के लिए आ चुके हैं ये खुशी खैम तहारत में पहुँची बीबी जैनब सलाम्ह ने जो है जनाब बीबी फिजा से कहा कि अचानक इस गम के माहौल में खुशी किस बात की बीबी फिजा ने जब बाहर पूछा तो पता चला कि जनाबे हबीब आए बीबी फिजा ने बीबी जैनब सलाम्है को जब ये इंफॉर्मेशन दी जब ये बताया तो बीबी जैनब ने कहा कि ए फ अम्मा फिजा आप जो है जनाब हबीब से कहिए कि ए हबीब तुम्हे जो है ज़ैनब बिनते अली सलाम कर रही है जैसे ही जनाब हबीब इबन मज़ाहिर ने ये सुना बीबी फिजा ने हबीब नसीब खुश हो तुम्हारे कि अली की बेटी जैनब कुबरा ने जो है तुम्हें सलाम भेजा है जनाब हबीब ने सर से अमामा फेंक दिया कि वो वक्त आ गया कि शहजादिया गुलामों को सलाम कर रही है जनाब हबीब इबन मज़ाहिर ने जो है इमाम हुसैन ने उनको आर्मी की एक विंग का जो है चार्ज दिया कि वो संभाले नमाज का वक्त होने वाला था इमाम हुसैन ने कहा कि हम जो है नमाज अदा करेंगे तभी किसी शख्स ने कहा कि ए हुसैन नमाज पढ़कर क्या करोगे आखिर तुम जहन्नम में जाने वाले हो ये इंसल्ट जो इमाम हुसैन अम की उस बेगैरत शख्स ने की जनाब हबीब से बर्दाश्त न हुआ जनाब हबीब ने इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी रन में गए मैदान करबला में गए उस दुश्मन को तहे तेग किया दूसरे कई लोगों को तहे तेग किया कई लोगों को कत्ल किया और ये जाने कि जनाब हबीब इबे मज़ाहिर जो है इमाम हुसैन आम के बचपन के दोस्त थे यानी वो भी जो है उनकी एज भी अराउंड फिफ्टी फाइव से सिक्सटी के बीच की थी ऐसी एज में भी जनाब हबीब इब मज़ाहिर बहुत बहादुरी से लड़े बहुत से लोगों को वासिले जहन्नम किया आखिर जनाब हबीब भी घोड़े से गिर गए और इमाम हुसैन सलाम जो है दौड़ कर जनाब हबीब की लाश पर पहुंचे उनसे गुफ्तगु की और कहा क्या है मेरे बचपन के दोस्त अब तुम भी जो है मुझे छोड़ कर जा रहे हो और यकीनन मैं कहूँगा कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की लाश तड़पी होगी जब इमाम उसे ने, सलाम ने कहा होगा हलमिन ना सर सर ना के है कोई मेरी मदद करने वाला कौमिन व सयामज़ीनबलबाही व तस्लिम इमां मेरे परवरदार इमाम हुसैन आसलम के मसाइब का वास्ता जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की मज़लूमियत का वास्ता है मेरे परार वली आसर हजत खुदा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा हम सब को इमाम के नासरीन में शुमार फरमा ए मेरे परवरदार हम सब के ईमान को सलामत रख ए मेरे अल्लाह ए मेरे परवरदिगार इमाम हसैैन आसमाम का वास्ता करबला का वास्ता करबला के बीमार का वास्ता इस दुनिया से इस पैंडमिक को इस बीमारी को ख़त्म फरमा कि हम उसी तरह आज़ादारी सैदुलशदा अब आदिल इमाम हसैन आसम कर सके जिस तरह जो है हम पहले शान शौकत से करते थे जिनके रिस्क के प्रॉब्लम है उनके रिस्क को जो है उन्हें रिस्क अदा कर जो जो हाजा लेकर आए हैं मुजलिस में उन सब की हलाल हाजतों को उनके हक में पूरा फरमा इमाम ज़बान के ूर में ताजील फरमा हम सब को उनके नासरिन में शुमार फरमा इन शल शाम पाँच बजे फिर हम मुलाकात करेंगे इमामत और